নৌকাঘাটের পোড়াঝাড় এলাকায় অ্যাম্বুলেন্স ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, মৃত গর্ভবতী মহিলা সহ তিন। নৌকাঘাটের পোড়াঝাড় এলাকায় অ্যাম্বুলেন্স ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, মৃত গর্ভবতী মহিলা সহ তিন। ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির নৌকাঘাটের পোড়াঝাড় এলাকায়, অ্যাম্বুলেন্স ও ট্রাকের সংঘর্ষ। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকা জুড়ে। জানা গিয়েছে গর্ভবতী মহিলা মনীষা রায় চিকিৎসাধীন ছিলেন কালিম্পং হাসপাতালে। তার অবস্থার অবনতি হলে বুধবার রাতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তাকে স্থানান্তরিত করা হয়। রাতেই স্বামী কপিল বড়াইল ও শাশুড়ি লীলা রায়কে সঙ্গে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আসার জন্য রওনা দেন। তারপর নৌকাঘাট পোড়োঝাড় এলাকায় ট্রাকের সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সটির সংঘর্ষ হয় এবং গর্ভবতী মহিলা অনিশা রায়, মহিলার শাশুড়ি লীলা রায় ও গাড়ির চালক অভিষেক বিশ্বকর্মার ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। এর পাশাপাশি আহত হন মহিলার স্বামী কপিল বড়াইল। এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ, আহতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। অপরদিকে এই ঘটনার পরই ট্রাকের চালক পালিয়ে যায়, তবে ট্রাক চালকের খোঁজার জন্য তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ, যদিও গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। कल रात को कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से पेशेंट रेफर हुआ था। अच्छा, तो डिलीवरी पेशेंट रेफर होने के बाद में हमारा गाड़ी ने वो पेशेंट को उठाया। उठाने के बाद में वो पेशेंट सिलगुड़ी मेडिकल कॉलेज लेके आते हैं जब भी, तो सिलगुड़ी मेडिकल लेके आने के बाद में वहाँ से ये सिलगुड़ी का नौका घाट, जहाँ पर बड़ा सा ट्रैफिक भी है, वहाँ से होकर के बर्धमान रोड होकर के मेडिकल आ रहा था। नौका घाट जैसे क्रॉस किया, वहाँ पर एक तो लंबा सा ब्रिज है, ब्रिज जैसे क्रॉस किया उतना में वहाँ से आगे से एक तो अनकंट्रोल्ड टाटा गाड़ी आ गया। तो टाटा गाड़ी का डायरेक्शन कहाँ पर है, क्या है, वो हम लोगों ने वहाँ पर रास्ते में देखा है। तो उसको देख करके हमको लगता है कि वो टाटा गाड़ी जैसे खुद अपने बचने के लिए, अपना बचाव के लिए वो राइट टर्न किया, तो राइट टर्न में हमारा एम्बुलेंस पेशेंट पार्टी को लेकर के जा रहा था। तो जैसे वो राइट टर्न किया, वो सेफ्टी बार को भी वो ब्रेक करके वहाँ से उछल करके हमारा एम्बुलेंस में लग गया। तो जैसे हमारा एम्बुलेंस, वो टाटा गाड़ी का लोड स्पीड और हमारा मारुति वैन एम्बुलेंस का वो स्पीड तो एक समान तो नहीं होता है। तो हमारा पेशेंट लेके जो एम्बुलेंस जा रहा था उसके इतना डेंजर तरीका से वो टक्कर मार करके हमारा दो पेशेंट पार्टी और उनका ऑब्जर्वर और एक तो हमारा ड्राइवर ऑन द स्पॉट वहाँ पर डेथ हो गया। तो एक जन जो उसका हस्बैंड लगता है हमको, कि उसको इंजोर होकर के मेडिकल कॉलेज में अभी एडमिट है, उनको सब स्कैनिंग दवाई वगैरह सब हो रहा है। और हम लोग वहाँ पर न्यू जलपाई थाना में भी जाकर के वहाँ पर पूछताछ किया, तो वहाँ से बोला कि पहले आप वहाँ पर जाकर के हॉस्पिटल जाकर के बॉडी को पहचान लीजिए और जो पेशेंट है उसको देख लीजिए, उसके बाद में आकर के यहाँ का जो प्रोसेस करना है करने से हो जाएगा। और हम लोगों ने वहाँ पर देखा, वहाँ का जो थाना का स्टाफ था वो लोगों ने बताया, देखिए जो गाड़ी ने आपका गाड़ी को टक्कर मारा है वो गाड़ी का पहिया एक्सल इस तरह से ये हालत में है, तो ये गाड़ी से आपका गाड़ी को टक्कर मारा है। तो हम लोगों को लगा कि हमारा गाड़ी जिस तरह से हम लोगों ने साइड को विजिट किया, वो हमारा गाड़ी एकदम एक्चुअल अपना ही साइड में जा रहा था और रॉन्ग साइड होकर के आकर के टाटा ने टक्कर मार करके तीन आदमी का, पेशेंट के साथ में तीन आदमी को स्पॉट डेथ हो गया। बड़ा कितना बजे टाइम, मतलब कितना टाइम, ये करीबन हो सकता है हमारा ख्याल से 2 बजे का, अर्ली इन द मॉर्निंग 2 बजे का टाइम हो सकता है। अच्छा, ये जो मतलब कितना आदमी मारे गए, तीन आदमी और जो बचे हुए हैं उसका हालत कैसा है अभी? वो अभी उसका कुछ होश नहीं है, उसको हम लोगों ने पूछा कि जिस तरह से ये एक्सीडेंट